जो आपके फ्रॉड्स के लिए पैसे इकट्ठे करना पड़ता था। वही हूं अभी, उसी लम्हे में निकल नहीं पाया वहां से। स्टिल देयर? ओह, तो तुम उस बात का बदला लेने आए हो। इंतकाम नहीं है उसका, आई कोई मरम है। सत मेरा फायद मकसद तुम्हें दर्द पहुंचाना है। मैंने उसको अगवा नहीं कराया था, अपनी मर्जी से गई थी वो। नादान थी वो, अगर तुम तो समझदार थे ना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं मलाइका, इसलिए नहीं कि मेरे कहने से तुम रुकोगी नहीं, बल्कि इसलिए कि जा तो तुम बहुत पहले ही चुकी थी मलाइका, बस अब अपना वजूद यहां से लेके जा रही हो। एक बात याद रखना मलाइका, मेरी मोहब्बत तुम्हारा पीछा करती रहेगी यार। एक कमबख्त मोहब्बत मुंह के बल गिरने के बाद भी होश में नहीं आती है। इसे होश में ले आओ मुस्तफा, क्योंकि जिंदगी बस एक ही बार मिलती है, और मैं नहीं चाहूंगी कि अपनी ख्वाहिशात का गला घोटू हर बार। उसे बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। बर्बाद तो तुम हो चुकी हो मेरी जान, बर्बाद तो हो चुकी हो तुम। रास्ता ही गलत चुन लिया, ख्वाहिशों का रास्ता। ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर फिर जिंदगी खत्म। मैं वादा करता हूं तुमसे कि आखिर में तुम्हें इसी मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी, मगर अफसोस ये मोहब्बत मिलेगी नहीं तुम्हें। ये दौलत से छीना है ना तुम्हें अबीन कुरैशी ने मुझसे, अगर याद रखना है दौलत से सिर्फ चीजें खरीदी जाती हैं, और चीजें पुरानी भी हो जाती हैं, सिर्फ एक चीज जिंदा रहती है पता है, एंड तक, वो है मोहब्बत। हर बार पहली बार की तरह। मैंने अमीन साहब से कहा कि तुम्हें कुछ पैसे दे, जब पैसे आ जाएंगे तो शायद तुम्हें उसकी कुछ कदर महसूस हो। तुमने वाकई बिल्कुल ठीक समझा, सच यही है कि तुम उसके मोहब्बत के काबिल नहीं। ये सच है पता है कि वो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। आप उसको अपनी दौलत अपनी ताकत के जोर पे लेके तो जा रहे हैं यहां से अमीन साहब, मगर एक बात याद रखिएगा, उसको कभी भी अपने से ऊंचे लोगों में मत लेके जाइएगा, क्योंकि जिस औरत के पर निकला है ना उसका घर नहीं होता कोई, वो सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ना जानती है वो, और बस। जो पर लगाना जानता है वो पर काटना भी जानता है। चले और हाँ, ये ब्लैंक चेक है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक भर लेना, समझना मलाइका का सक्का था।
इतनी जल्दी नहीं, कुरैशी, इतनी जल्दी नहीं।